सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेक्नो गाय चैनल को और एक घंटे को दबाइए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके, वो भी एकदम फ्री। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल इंडियन टेक्नो गाय में। तो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वीवो जो है एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जिसके अंदर डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी कि डिस्प्ले के नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, यानी हम कह सकते हैं ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। तो अगर आपको इस फोन के बारे में पूरी तरह जाना है तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना, अगर आपने तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। ओके, तो जी ये जो वीवो हैं इन्होंने जो कहा है कि अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC जो होने वाला है 2017 में शंघाई में, जो 28 जून से शुरू होगा, उसमें हमें कैसा फ़ोन लॉन्च करने वाला है कि जो जिसके आपके अंदर जो है फिंगरप्रिंट स्कैन स्क्रीन में होगा। यानी वीवो सीधे से ही कहना चाह रहा है कि अब हम पूरे जितने भी फ़ोन जगह थे उसमें काया पलट करने जा रहे हैं या फिर दूसरों को भी इंस्पायर करने जा रहे हैं। तो वीवो ने ऐसे ही कहा है। अभी इस फ़ोन के बारे में कुछ उन्होंने ज़्यादा स्पेक्स दिए नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया साइज़ कितना होगा, रैम और रोम आपकी जितने फ़ोन के मेन फीचर्स हैं वो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इतनी उन्होंने खबर दी है। और वो भी उन्होंने दिया आपका जो वीवो का इंडिया का ट्विटर पेज है उस पर उन्होंने खबर दी है। हालाँकि कहा जा रहा है कि जो इस फ़ोन में सुनने आए कहीं कहीं ऐसे वो आ रहे हैं र्यूमर्स की शायद इस फ़ोन में 5.5 इंच या 6 इंच तक का डिस्प्ले हो गई, बाकी इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा। और वीवो एक तरह से यही कहना चाह रहा है कि हम जो है ऐसा कुछ लाएंगे कि जो है सैमसंग और एप्पल कहना ही चाहिए कि एक तरह पीछे हो जाए। वैसे एप्पल का जो iPhone 8 है आप लोगों को पता ही होगा, उसमें भी जो कुछ सुनने में आया था ऐसे कुछ होगा, पर जो उसके अभी पार्ट्स पूरी तरह बन नहीं पाए तो उसमें भी डिले होगी। तो हो सकता है कि शायद वीवो इस फीचर के साथ जगत की पहली ऐसी कंपनी बन जाए जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है फ़ोन की डिस्प्ले के नीचे दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की खबर अच्छी लगी होगी, अगर आप नए तो देखिए सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और नए पुराने कोई में हो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है तो। धन्यवाद दोस्तों।